Good morning, my dear friends. Today we shall study Naxvamika with the help of a rubric, Bioncy Alternating with Despondency. There was only one medicine in this rubric, Naxvamika, and later on, carcinocin was added. Okay, now we are going on a very short journey of Naxomica on the way of Naxvamika. Bioncy means the power or the ability to float on the liquid. Arthat. लिक्विड या पानी में किसी चीज़ के किसी वस्तु के तैरने की क्षमता डिस्पोंडेंसी मीन्स इट इज ए सैड इमोशनल स्टेट इट इज ए फीलिंग लाइक डिप्रेशन होपलेसनेस वेरी लो इन स्प्रिट अर्थात उदास हो जाना मन की शक्ति का नीचे चले जाना डिप्रेस हो जाना भूमिका में यह दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट करती है एक के बाद दूसरी आती है और दूसरी के बाद फिर पहली आ जाती है परंतु लो स्पीड की अवस्था बहुत कम समय तक रहती है और पेशेंट फिर अपनी हाई स्पीड में चले जाता है और यह अवस्था लंबी होती है मतलब पेशेंट कुछ समय के लिए डिप्रेस हो जाता है फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल अवस्था में आ जाता है यह दवा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेन की तरह है बहुत ही पॉजिटिव विचारों वाला है यह आर्डेंट है यह अपनी पॉजिटिव सोच के कारण अपने पॉजिटिव लक्षणों के कारण यह बहुत जल्दी ईगो में भी आ जाता है यह बहुत ही हाई एम्बिशन वाली दवा है परंतु यह पुअर है और अपनी कमियों को दूर करने के लिए लगी रहती है सभी लोगों की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और ठीक इसी तरह इसकी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है इसे जैसा करना होता है वैसा होता नहीं है बहुत सारी कामों की फिनिशिंग उसकी परफेक्शन इसके मन के अनुसार नहीं हो पाती है और यहीं से इसकी तकलीफ़ें चालू हो जाती है एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत ही फास्टिडियस है यह दवा जैसा काम इसे पसंद आता है अक्सर दूसरे लोग वैसा नहीं कर पाते हैं यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जितना ऊपर उठता है जितना ऊपर उठ जाता है और नीचे गिरने पर उसे उतनी ही ज़्यादा चोटें लगती हैं नीचे गिरने पर इसका भी ईगो हर्ट हो जाता है परंतु यह आर्डेंट है पैसनेट है अपनी कोशिशें जारी रखता है छोड़ता नहीं है लगे रहता है परसीव करते रहता है दूसरे लोगों की तरह यह ना तो बेगिंग में है और ना ही प्रेइंग में है बल्कि अपनी हिम्मत के सहारे उठने की कोशिश करते रहता है यहाँ तक कि नक्सवी का केरिड डिजायर टू बी कैरिड में भी नहीं है वह किसी से नहीं कहता है कि यह तुम मेरा काम करो मुझे यहाँ से ले चलो परंतु खुद को ले जाने की कोशिश करते रहता है आई आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर गोइंग ऑन द वे ऑफ नक्स भूमिका अ वेरी शॉर्ट जर्नी गरीब हूँ का भले ही गरीब है परंतु उसका स्व अभिमान उसका ईगो बरकरार रहता है इसीलिए वह कहता भी है कि भले ही मैं गरीब हूँ परंतु आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता नीचे गिर के यदि उसकी हिम्मत टूट भी जाती है तो भी वह खुद के बल बूते पर उठने की कोशिश करता है खुद के सहारे ऊपर चढ़ता है अपने ईगो के कारण वह ऐसी ख़राब परिस्थिति में भी कहता है ऐसी खराब परिस्थिति में भी वह कहता है लोगों से कि यदि मैं नीचे गिर जाता हूँ तो भी किसी की ताकत नहीं है कि मुझे उससे बाहर निकाल सके मुझे उठा सके ऐसी अवस्था में यदि कोई उसे समझाता है तो भी उसे बुरा लगता है एडमोनिशन एग्रावेशन कोई उससे कुछ कहता भी है तो भी उसे अच्छा नहीं लगता है बुरा लगता है यदि कोई उसे पूछे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो भी वह तुरंत ना बोल देता है और खुद से हिम्मत रखता है इंडिपेंडेंट उसका ईगो यहाँ भी उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता है एक तरफ उसका एम्बिशन है दूसरी तरफ वह पुअर है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है परिस्थिति सामने खराब है ऐसी खराब परिस्थिति से भी ऐसी खराब परिस्थिति से भी वह खुद को बाहर निकाल लेता है अपने आप को यह ठीक वैसे ही बाहर निकाल लेता है जैसे कोई लकड़ी पानी में डूब रही है डूब रही है और अंत में ऊपर उठ जाती है वैसे ही यह अपनी हिम्मत से अपने मेहनत से खुद को बाहर निकाल लेता है यह पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा सोचता है निगेटिव नहीं सोचता है यह पेसिमिस्ट है ऑप्टिमिस्ट है दिस मेडिसिन इज इन द रूब्रिक पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट बट रिमेंबर नक्स वोमिका इज नॉट प्रेजेंट इन होपफुलनेस अर्थात इसका मतलब यह है कि यह या, या तो बहुत ऊपर की सोचेगा नहीं तो बिल्कुल नीचे की सोचेगा बीच में यह नहीं है इसलिए वह कहता भी है कि मैं ज़्यादा समय डिप्रेशन में नहीं रहता हूँ खुद को बाहर निकाल लेता हूँ इसे सभी कामों में परफेक्शन चाहिए अपने हेल्थ में भी परफेक्शन चाहिए यदि रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तो भी इसे मुश्किल आती है इसलिए नक्सविका कहता भी है कि काम करना है तो अच्छे अच्छे से करो वरना जा कर के सो जाओ कोई काम परफेक्ट होता है तभी इसे मन की शांति मिलती है रिपोज ट्रैंक्यूलिटी मिलती है और ठीक इसी तरह इसे अपनी बीमारी में भी अपने हेल्थ में भी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में भी परफेक्शन चाहिए और ठीक इसी तरह इसे अपने डिजीज़ में भी हेल्थ में भी ट्रीटमेंट में भी परफेक्शन चाहिए अपनी हेल्थ की एंबिशन को लेकर यह सोचता है कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है और इसीलिए वह हेल्थ टिप्स को फॉलो करते रहता है और फिर भी यदि वह बीमार पड़ जाता है तो उसे गुस्सा आता है एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन नक्सोमिका भूमिका के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और इसलिए खराब पैथोलॉजिकल केसेस में भी यह अपने आप को बाइन्सी में ले आता है उसका कॉन्फिडेंस ही उसे एम्बिशियस बनाता है और यही एम्बिशन उसे आर्डेंट बनाता है पैसनेट बनाता है और वह अपने काम में लगे रहता है परसीब करते रहता है चाहे वह एम्बिशन हेल्थ का हो या किसी और चीज़ का डिजीज़ में पेशेंट का एम्बिशन यही होता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए अच्छे से ठीक हो जाए अपनी बीमारी को लेकर वह पूरी तरह से लगा रहता है पॉजिटिव है आर्डेंट है परसिवरेंस में भी है पॉजिटिव है सोचता है कि बीमारी ठीक होगी ऑप्टिमिस्टिक में भी है ऑप्टिमिस्टिक में भी है सोचता है कि बीमारी आज नहीं तो कल ज़रूर ठीक होगी कोई तो ऐसा डॉक्टर होगा जो मुझे ठीक कर सकेगा कोई तो ऐसी दवा होगी जो मेरे शरीर में काम करेगी बैलून को हम कितना भी पानी में डुबाएं मौका मिलते ही वह ऊपर की तरफ तैर आता है ठीक इसी तरह नषभूमिका भी ऊपर की तरफ तैर जाता है डिस्पोंडेंसी से अपने आप को निकाल लेता है भले ही हमारे क्लिनिक में पेशेंट की संख्या कम हो परंतु हमें डिस्पोंडेंसी में नहीं रहना है बायसी में उठ जाना है ओके माई डियर फ्रेंड्स ओके माई डियर फ्रेंड्स सी यू अगेन वेरी सुन